उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जोया अब्बास। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने के सवाल पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घंटों ललन सिंह और अन्य नेताओं के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उन्होंने सीधे तौर पे ये जवाब दिया कि आप लोग चिंता मत करें, जब समय आएगा तो इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि कौन जाएगा राज्यसभा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज काफी वक्त के बाद कार्यालय पहुंचे और घंटों नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की, जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे मीडिया कर्मियों ने जब ये सवाल पूछा कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर से ये जवाब दिया है कि आप लोग चिंता मत करिए, सही समय पर फैसला लिया जाएगा इस चीज का भी, और अभी आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं नीतीश कुमार, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। हालांकि पार्टी ने उन्हें फैसले के लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार अभी ये बात सस्पेंस ही बनाए रखना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं या फिर नहीं। इससे पहले नीतीश कुमार आज दोपहर प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने काफी देर तक बातचीत की, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बात की जाए तो जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक आरसीपी सिंह का फिलहाल राज्यसभा जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार ने पहली बार कोई बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। वहीं इस बैठक में पार्टी के नेताओं और विधायकों ने फैसला लिया है कि नीतीश को इस पूरे मामले में अधिकृत किया जाए, और इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आरसीपी के नाम पर एक झटके में फैसला मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं आरसीपी सिंह अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं तो उनकी जगह राज्यसभा कौन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर सस्पेंस और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जब मीडिया कर्मियों द्वारा नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे आरसीपी सिंह, तो उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बातों को घुमाकर इस बात का सही जवाब नहीं दिया और कहा कि जब ये समय आएगा तो ये बात बाहर निकल कर आ जाएगी कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।